हेलो एवरीबॉडी, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है सक्सेस हरियाणा। देखिए, पहले तो अपना दिमाग खुला रखना, ठीक है? दिमाग खुला रखना, सभी जो इस वीडियो को देख रहा है, ज्ञान मत पेलना बिना देखे, पूरी वीडियो बिना समझे, क्योंकि कोई फायदा नहीं होगा उसका। मैं आपको बिल्कुल तथ्य के साथ बात करूंगा, मैं बात करूंगा आज। ESM, DSM, डिपेंडेंट फ्रीडम फाइटर, रिजर्वेशन को लेकर के, ठीक है? तो इसमें मैं आपको दो तीन चीजें बताना चाहूंगा। पहली बात तो ये है, अभी जो लिस्ट आई है, जो कट ऑफ आई है ग्रुप 56 की, उसमें आपने देखा होगा जो जर्नल के DSM, डिपेंडेंट ऑफ सर्विसमैन, प्लस जर्नल के DFF, डिपेंडेंट ऑफ फ्रीडम फाइटर, और BCBK, DSM और डिपेंडेंट फ्रीडम फाइटर, इनकी कट ऑफ नहीं दी गई। SC की और BCA की दे दी, तो वो वैसे तो उनका भी चेंज होना है बाद में, वो भी ध्यान दे लेना। कभी कोई सच्चा हमारा नंबर आ गया तो चेंज नहीं होगा, आपका नंबर वैसे भी आ जाएगा क्योंकि आपकी तो कट ऑफ बहुत कम गई है। तो इस वीडियो को देखना कि मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ, और खासकर फौजी है वो जरूर देखना भाई, क्योंकि उनको लगेगा कि यार ये क्या कर रहे, तो गड़बड़ करवा रहा वो, ये क्योंकि देखो सब आदमी सोचता है कि यार मेरा नंबर अब आगे खराब करवा रहा। हर आदमी स्वार्थी होता है, चाहे मैं हूं चाहे आप, ठीक है? लेकिन मैं बात कर रहा हूँ पहले बिना स्वार्थ अपना रखे, जो तथ्य है उसके आधार पर, क्योंकि अगर मान लो इस आधार पर आपने सिलेक्शन ले भी लिया तो आपकी नौकरी जा सकती है बाद में, केस तो इसमें होगा। कैसे होगा देखो, मैं आपको दिखाता हूँ। पहले तो एक नोटिस, ऑफिशियल नोटिस देखो, ये है CET के एडवर्टाइजमेंट, जो CET की बात है, मेंस की नहीं, क्योंकि हम तो बात CET पे कर रहे हैं, CET पे हो रहा सब कुछ हो रहा है। ऑफिशियल नोटिफिकेशन मैं अपनी तरफ से नहीं बना रहा, HSSC वेबसाइट पे एडवर्टाइजमेंट वाले सेक्शन में पड़ी हुई है, जाकर खुद देख लेना। अगर मेरी बात आपको ना लगे ठीक तो जाकर देख लेना, कोई दिक्कत नहीं है। ऑफिशियल चीज है, ऑफिशियल चीजों के ऊपर मैं बात करूंगा, अपनी तरफ से कुछ नहीं है। रिजर्वेशन वाला जो पोर्शन है वो ये है, सीरियल नंबर 3, 3 से 7 पेज पे चलो, 3 से 7 नंबर पेज पे चलते रिजर्वेशन को लेकर के। दो, ये तीसरा पेज, अब ये है भाई तीसरा पेज रिजर्वेशन का, यहाँ से ठीक है आ जाओ। इसमें सबके रिजर्वेशन बताए हैं कि किसका रिजर्वेशन किस लेटर के अकॉर्डिंग लगेगा, क्या लगेगा, BCA SC सब कुछ है, PWD सब कुछ है, लेकिन हम बात कर रहे हैं एक्स सर्विसमैन के बारे में। आ जाओ एक्स सर्विसमैन के बारे में, आ जाओ यहाँ पे देखो। बहुत सारे बच्चे क्या है वो ये देखते हैं कि भाई एक्स सर्विसमैन का कोटा कैसे मिलता है, क्योंकि जब डिपेंडेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन का नंबर नहीं आया था तो वो ज्ञान पेल रहे थे। वैसे मैं डिपेंडेंट एक्स सर्विसमैन के साथ हूँ तो, लेकिन वो कह रहे थे डिपेंडेंट फ्रीडम फाइटर का पहले कैसे आ गया, ये कैसे आ गया। HSSC ने जो पहली लिस्ट निकाली थी वो सही निकाली थी, लेकिन बाद में पता नहीं इनको किसने प्रेशराइज किया, इन्होंने बदल दी, ठीक है कट ऑफ। तो मैं बताता हूँ, वैसे देखो इसमें देखो, एक्स सर्विसमैन का जब बेनिफिट है वो यहाँ पे क्लैरिफिकेशन आई थी इस नंबर पे, सीरियल नंबर, ये लेटर है क्लैरिफिकेशन का, बेनिफिट कैसे दिया जाता है, ठीक है? तो ये तो आया था क्लैरिफिकेशन, CS हरियाणा वेबसाइट के ऊपर अवेलेबल है, जाकर देख लेना। लेकिन हम बात कर रहे हैं कि अब आपको रिजर्वेशन में क्या गड़बड़ करी है, सीनियर क्या मिलना चाहिए, इसमें आपको पॉइंट देखना है। सबसे पहले ये वाला, ये CET का है भाई, अपनी तरफ से नहीं है, फिर कह रहा हूँ, ये सभी समाज से भी ध्यान से इसको पढ़ लो। वैसे मैंने व्हाट्सएप पे शेयर कर दिया था इसका मतलब, देखो H नंबर पॉइंट, ऊपर सारा बता दिया रिजर्वेशन किसको मिलेगा किसको नहीं मिलेगा, लेकिन ये पॉइंट है जिससे आपका क्लियर हो जाएगा कि HSSC ने पहले सही किया था अब गलत कर दिया। इन ऑल सर्कमस्टांसेस, सभी परिस्थितियों के अंदर, द बेनिफिट ऑफ रिजर्वेशन, आरक्षण का लाभ, अगेंस्ट द पोस्ट ऑफ रिजर्व फॉर एक्स सर्विसमैन, मतलब जो एक्स सर्विसमैन के लिए जो पोस्ट रिजर्व की गई है उन पे आरक्षण का लाभ, सभी सभी परिस्थितियों में सेल बी एडमिजिबल, मतलब वो मिलेगा आपको एट द टाइम ऑफ फाइनल सिलेक्शन लिस्ट ओनली। मतलब ये ओनली जो लिखा है ना, ये सबसे भयंकर वर्ड है जो हमारा आपको समझाने का एक मोटिव है, एट द टाइम ऑफ फाइनल लिस्ट ओनली एंड नॉट एट द टाइम ऑफ प्रिलिमिनरी टेस्ट, मेन टेस्ट या इंटरव्यू। मतलब बीच में चाहे कितने भी टेस्ट हो, कितना भी भर्ती का प्रोसेस हो, आपको फौजी का जो रिजर्वेशन होता है, यानी कि जो फौजी रिजर्वेशन का एक पैटर्न होता है कि भाई सबसे पहले फौजी को मिलेगा, फिर सबसे पहले तो मिलता है वैसे डिसेबल फौजी होता है उसके बच्चे को, फिर मिलता है वो पैटर्न भी इसमें लिखा है, फिर मिलता है भाई डिपेंडेंट जो सॉरी फौजी होते हैं खुद,
सेल्फ डिसेबल उनको, फिर होता है फौजियों को, फिर होता है डिपेंडेंट ऑफ सर्विसमैन को, ठीक है, इस तरीके से मिलता है ये रिजर्वेशन। तो लेकिन वो मिलता कब, वो मिलता है फाइनल लिस्ट में, वो रोस्टर होता है फाइनल लिस्ट का। लेकिन यहाँ पे हम क्या कह रहे हैं कि आपको जो रिजर्वेशन है वो आपको प्रिलिमिनरी एग्जाम में नहीं मिलेगा, ये यहाँ पे साफ साफ लिखा है, ये रहा। आपको केवल और केवल फाइनल सिलेक्शन के टाइम ही मिलेगा रिजर्वेशन, यानी जो रोस्टर बना हुआ है कि पहले ये फिर ये फिर ये फिर ये, चाहे नंबर की, मान लो किसी डीएसएम के नंबर 70 है, फाइनल लिस्ट की बात कर रहा हूँ, और एक्स सर्विसमैन के नंबर 40 है, तो पहले एक्स सर्विसमैन को सीट मिलेगी, आपको नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि रूल कहता है कि फाइनल लिस्ट में फौजी को प्रेफरेंस दी जाएगी, लेकिन ये है आपका प्री एग्जाम, ये फाइनल लिस्ट नहीं है, क्योंकि इस पे कोई सिलेक्शन नहीं हो रहा आपका। तो ये आपका, ये जो रूल है, ये रूल आपका फॉलो यहाँ पे करना पड़ेगा कि आपको रिजर्वेशन इस रूल के अकॉर्डिंग देना पड़ेगा। अब आ जाओ, मैं आपको जो समझाना चाहता हूँ वो आज सिंपल सी भाषा में आपको दिखाता हूँ कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, और इस पे केस होगा भाई अगर अच्छे से सुधार नहीं किया तो, पहले बता देता हूँ। और फौजी भाई बेशक नाराज मत होना, क्योंकि देखो आप अपने हक के लिए लड़ रहे हो, हम अपने हक के लिए लड़ रहे हैं, ठीक है। आपको लगता है बुरी लगेगी बात, लगने दो भाई, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऑफिशियल जो चीज है तथ्य के आधार पर, अगर आपके पास तथ्य कोई और है तो मेरे से बहस कर लेना दिन में फोन करके, कोई दिक्कत नहीं है। अगर तथ्य हो तो, भावनाएं, भावनाओं के ऊपर बात नहीं करेंगे, ठीक है, वो अलग चीज है, हम बात कर रहे हैं डॉक्यूमेंट्स के ऊपर। अब देखो, अब मैं कह रहा हूं एचएसएससी ने क्या किया, एक फौजी है जिसके नंबर है 52, एग्जाम्पल है ये 52, दूसरे फौजी के नंबर है 49, एक है डीएसएम उसके नंबर 61, और एक ले लो यहाँ पे डिपेंडेंट फ्रीडम फाइटर, ये 62। पहली बात तो ये, डिपेंडेंट फ्रीडम फाइटर को रिजर्वेशन केवल 2% है, ये क्लियर कर लेना। डिपेंडेंट फ्रीडम फाइटर केवल 2% की सीट पे लड़ेगा, ठीक है, 2% पे, बाकी जो बच गई वो ईएसएम और डीईएसएम की है, समझ गए? तो इसको क्लियर कर लेना, कोई ये सोचे, क्योंकि ये प्रिलिमिनरी एग्जाम है, इसमें कोई रोस्टर लागू नहीं है कि पहले फौजी आएगा फिर डीएसएम आएगा फिर डीएफएन फ्रीडम फाइटर आएगा, ये रोस्टर लागू होता है फाइनल लिस्ट में, हम बात कर रहे हैं आज पेपर देने के लिए, इसमें सब बराबर है। अब क्या होगा, एचएसएससी ने पहले क्या किया था, एचएसएससी ने पहले जो मैंने लेटर आपको दिखाया ना जस्ट अभी, जो मैंने लेटर आपको दिखाया, ये पॉइंट, इस पॉइंट के हिसाब से कट ऑफ बना दी, और वो कट ऑफ आपने देखी होगी, वो फौजियों की कट ऑफ 49 पे चली गई। 49 पे क्यों गई? क्योंकि सभी फौजियों को उसमें नहीं लिया गया। उसमें क्या किया गया, उसमें जो ये नंबर है, ये वाला जो स्कोर कार्ड है सबका मिक्स, तो सबसे पहले बच्चे को उठाया इसको 72 नंबर वाले को, वैसे तो ये जनरल में जाएगा, मैंने इसको हटाओ, चलो ये तो जनरल में वेट में, ये तो मतलब अपनी मूल कैटेगरी में वैसे ही चला जाएगा, मतलब कि कट ऑफ से कम किसके, ये वाला सबसे पहले उठाया इस भाई को, चलो 65 वाला दे देते, हो सकता है इसकी उम्र ज्यादा हो, वैसे तो ये भी वहीं चला जाएगा, तो मैं आपको हटा ही देता हूँ इसको, इसकी जगह नंबर कर लो 64, 64, नहीं तो आप कहोगे यार ये क्या कर रहा है। देखो सबसे पहले एचएसएससी ने उठाया उस लिस्ट में जो पहले आई थी, इसको 64 वाले को, डिपेंडेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन को, इसके बाद एचएसएससी ने उठा दिया, इसके बाद कोई और है नहीं, इसके बाद एचएसएससी ने उठा लिया डिपेंडेंट फ्रीडम फाइटर को 62 वाले को, इसके बाद एचएसएससी ने क्या किया, ऐसे कर करके डिसेंडिंग ऑर्डर में वो मार्क्स वाले बच्चे उठा दिए, तो जो एक्स सर्विसमैन 49 पे था, यानी कि जिस बंदे के 49 नंबर थे, चाहे वो अपना ईएसएम था, ध्यान देना भाई, चाहे वो ईएसएम था, चाहे वो डीईएसएम था, चाहे वो डिपेंडेंट फ्रीडम फाइटर था, लेकिन ध्यान देना डिपेंडेंट फ्रीडम फाइटर केवल 2% सीटों के ऊपर लिए गए थे, केवल 2%, यानी कि अगर मान लो 4 गुना में इन्होंने 1000 बच्चे लिए, अगर फॉर एग्जाम्पल के लिए कह रहा हूँ, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, वैसे तो जो जनरल में है उसमें 2000 बच्चे थे, लेकिन मैं कह रहा हूँ अगर इन्होंने मान लो 1000 बच्चे लिए थे तो केवल यहाँ पे बी आ गया, ये रहा, तो इन्होंने क्या किया, 1000 बच्चों में केवल 20 बच्चे डिपेंडेंट फ्रीडम फाइटर के लिए थे, बाकी जो 980 थे, बाकी जो 980 थे वो सारे फौजी और डीएसएम थे, ठीक है। 2000 बच्चों में 2% कितना आएगा, आप लगा लो हिसाब, अपने हिसाब से, जब 1000 में 20 है तो 2000 में कितना आएगा, 40, ठीक है, 2%। तो इस तरीके से इतने बच्चे डीएसएम के लिए गए थे, बाकी सब डीएसएम और ईएसएम थे, लेकिन लिए कैसे थे, सबसे ज्यादा नंबर चाहे वो डीएसएम के हो चाहे डिपेंडेंट फ्रीडम फाइटर को, जो किसके भी हो, डिसेंडिंग ऑर्डर में ये स्कोर लगा दिया था इन्होंने, डिसेंडिंग ऑर्डर में,
और उस हिसाब से कट ऑफ लास्ट में जो बच्चा आया था 4 गुणा में वो था 49 नंबर का। उसके बाद बहुत से फौजी भाइयों ने कहा, देखो सबका अपना वो होता है, उन्होंने कहा भाई हमें तो मौका ही नहीं दिया, ये तो गड़बड़ है, रिजर्वेशन कैसे कर दिया, फौजी को पहले प्रेफरेंस मिलना। कमेंट देखा था, एक दो डीएसएम थे जिनका नंबर नहीं आया, ये डिपेंडेंट फाइटर को कैसे दे दिया, इनको तो नंबर लास्ट में आता है। तो भाई ज्ञानी महाराज, डिपेंडेंट फ्रीडम फाइटर को मुझे मान लिया लास्ट में नंबर आता है, लेकिन वो फाइनल में आता है भाई, इसीलिए मैं वहां पे वो रिप्लाई नहीं कर रहा था, क्योंकि बहस क्या के भाई बी हो जाने से फायदा क्या है, क्योंकि अधूरी जानकारी आपको, पूरी जानकारी आपको है नहीं, आपने तो सुना है बस, देखा थोड़ी आज तक कोई रूल, आपने तो सुना है ना, आपने सीटी के एडवर्टाइजमेंट पढ़ी। इसीलिए मैं कह रहा था कि जिसको जो करना करो, हम बाद में बताएंगे ढंग से कि क्या है मैटर, लेकिन अब एसएससी ने कुछ और गड़बड़ कर दी, पता नहीं इनके दिमाग में कहां से आया, तो इन्होंने कर दिया ये काम। अब बात है कि जो भाई इस कट ऑफ के बाद बाहर हो गया, डिपेंडेंट ऑफ सर्विसमैन हो चाहे डिपेंडेंट ऑफ फ्रीडम फाइटर हो, किसी भी कैटेगरी जो बाहर हो गया, मैंने व्हाट्सएप का एक लिंक दिया है डिस्क्रिप्शन में, उसमें जरूर जुड़ जाना, ठीक है? मैंने व्हाट्सएप पे एक लिंक दिया है, उसमें जुड़ जाना, आपकी लड़ाई लड़ेंगे आपके साथ मिलकर। और फिर कह रहा हूं, जो भी एक सर्विसमैन इस वीडियो को देख रहा है, अपने आप को यह ना समझे हमारे खिलाफ है, मैंने आपको तथ्य दिखा दिया, आपके पास तथ्य है आप लड़िए, हमारे पास तथ्य है हम लड़ेंगे, आप अपने अकेले लड़ेंगे, हम अपने अकेले लड़ेंगे। तो ये रूल होता है प्रिलिमिनरी एग्जाम में कि जो नंबर है उसको डिसेंडिंग ऑर्डर में जितने 4 गुणा 10 गुणा लेने हैं उस हिसाब से आप कट ऑफ बढ़ाओ, इसमें कोई फौजी नहीं, कोई ईएसएम नहीं, कोई डीएफएफ नहीं। हाँ, डीएफएफ के लिए एक रूल जरूर लागू रहेगा कि 2% सीटों पे, बस 2% में जितने बच्चे आ सकते हैं वो आ जाएंगे, बाकी सारी पोस्टें ईएसएम और डीएसएम के लिए। अब कहेंगे कुछ बच्चे ऐसे तो फौजी सारे बाहर हो जाएंगे, नहीं भाई। और हाँ एक बात और, जिसके नंबर जनरल की कट ऑफ से ज्यादा है, चाहे वो डीएसएम हो चाहे ईएसएम हो, जैसे ये है, ऐसे बच्चे जो इनकी मेन कैटेगरी है, फॉर एग्जाम्पल कोई ये जो डीएसएम है, ये वाला डीएसएम है, जो मान लो ये डीएसएम बीसीबी का है, तो ये बीसीबी में चला जाएगा, इसके नंबर अच्छे हैं, ये इसको इसमें नहीं गिना जाएगा, ठीक है? क्योंकि इसकी मेन कैटेगरी तो बीसीबी है, डीएसएम सब कैटेगरी है, ऐसे ही ईएसएम वाला है, ये भी ऐसे ही रहेगा, ठीक? ऐसा नहीं कोई 71 नंबर लेने वाला डीएसएम लिया ही ना जाए, ना ऐसा नहीं होगा, उसकी मेन कैटेगरी बीसीबी है, और ये मैं अपने पर्सनल अनुभव से कह रहा हूं, मुझे पता है इस चीज का, ठीक? और जो भी डीएफएफ है, मान लो कोई डीएफएफ ये है जैसे 68 नंबर वाला है, ये जनरल का था मान लो, तो ये जनरल में चला जाएगा, पहली लिस्ट में, दूसरे में नहीं, पहली में जनरल में जाएगा, क्योंकि इसकी जनरल वाली कट ऑफ क्वालिफाई हो रही है और इसकी मेन कैटेगरी जनरल ही है, जो नहीं जाता वहां पे उसको यहाँ पे बेनिफिट मिलता है, ठीक है भाई? धन्यवाद, इस वीडियो में इतना ही, यही समझाने के लिए मैं आपको आया था। और अभी एग्जाम 5 तारीख को शायद नहीं होगा, क्योंकि कंडीशन एक तो हरियाणा में कुछ अलग चल रही है, प्लस अभी केस है 4 तारीख को उसकी सुनवाई, और ये केस हम भी करेंगे, एचएसएससी ने सुधार नहीं किया था इसमें। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा, आपका दिन शुभ हो।